अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ लेक्चर है जो आपके पास अपलोड होने जा रहा है, तो उस क्लास सेवन का। तो ये हमारे पास फोर्थ चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, हमारे पास जैसे ये फ़र्ज़ करें, हम जो कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या कुछ भी काम करना होता है, तो हम एक टास्क बनाते हैं कि हमें जो है, फ़र्ज़ करें मैं जो हूँ, मैं मुझे सुबह स्कूल जाना हो या कुछ भी है, तो मैं एक टास्क बनाती हूँ कि मुझे इतने बजे उठना है, ठीक है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे मैंने स्कूल पहुँचना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम। ठीक है, मेरा एक प्रोग्राम बना है कि मैं जो हूँ, मुझे शॉपिंग पे जाना है, कुछ भी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जो हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप मैं अपने दिमाग में सोचूंगी, मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है। ये हो गया स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्राम। जैसे फ़र्ज़ करें शॉपिंग है, मैंने शॉपिंग पे जाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, भाई मैंने जो है ना यहाँ पर जाना है शॉपिंग पर, फिर मैंने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है और ये चीज़ लेनी है। ये मेरे पास मेरा एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम जब बनता है, कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ती है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चैप्टर है, ये हमारे पास चैप्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। ठीक है, कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, तो हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं या स्टेप बाय स्टेप उसको कोडिंग करते हैं। ठीक है, जब भी वो जो प्रोग्राम होता है या कोई भी कहना चाहिए, कोई भी ऐप होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। ठीक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप कोडिंग हुई भी होती है बनाने के लिए। हमारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो यही है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो प्रोग्रामिंग के ही थ्रू करते हैं। बिला वजह तो हम कुछ भी नहीं करते, हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, फिर उसके बाद वो काम करते हैं, यही है। इसी तरह कंप्यूटर में भी यही है कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसका काम करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी पे बेस है, ये आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को समझ में भी आएगी, लेकिन हम थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ मैंने कर दिया। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस भी है, जब हम आप लोग आएंगे तो कंप्यूटर की क्लास में, कंप्यूटर लैब में हम इसको समझाएंगे भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम यहाँ पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज दे कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हेल्प पीपल टू परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क बाय ब्रेकिंग दैम डाउन इन टू सिंपल स्टेप्स। कोई भी सिंपल स्टेप, जैसे हमें कुछ भी समझने के लिए हम कोई भी टास्क करते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें उसको ईजिली समझ भी जाए। तो ये क्या होता है हमारे पास प्रोग्राम बनाने का तरीका या प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, वॉट इज़ प्रोग्राम? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम्स। नॉट ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑर्डिनरी पीपल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है कि किसी चीज़ को राइट करना, कोई प्रोग्राम लिखना, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर कोई नहीं समझ सकता। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्रामर बनाते हैं, वही जस्ट समझ सकता है कोडिंग उसकी। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज? व्हाट इज़ द डिफरेंस मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज? द डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इज दैट इंस्ट्रक्शन रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली प्रोसेस बाय कंप्यूटर। ऑन द अदर हैंड, इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस दैम। मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज हमारे पास डायरेक्ट, मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर जो है डायरेक्ट वो हमारे पास
उसके पास डायरेक्ट वो आ जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि हम जैसे कीबोर्ड पे ए लिखते हैं तो उसकी कोडिंग पीछे कंप्यूटर के पीछे जो कोडिंग होती है वो समझ जाता है, ठीक है। हम नहीं समझ सकते, वो समझ सकता है। वो एक कहलाती है मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज वही मैंने आपको एक मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें एक अंग्रेज़ है, ठीक है, या मैं हूँ या कोई भी है, तो वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ उनकी लैंग्वेज जो है डिफरेंट होती है, सही है। तो मैं जैसे फ़र्ज़ करें मैं चाइना जा रही हूँ, चाइनीज़ में बोलना मुझे बोलना नहीं आता, मैं सिर्फ जस्ट इंग्लिश या उर्दू में बात कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ट्रांसलेटर लेके आऊँगी, ठीक है, जो मुझे एक मैं उसको बोलूँगी तो वो ट्रांसलेट करके दूसरी जगह बोलेगा, वो असेंबली लैंग्वेज में कहलाती है, ठीक है। जो कन्वर्ट करके जो कन्वर्ट कर दे मशीन लैंग्वेज में वो असेंबली लैंग्वेज भी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। आइडेंटिफाई 2/3 जनरेशन लैंग्वेजेस। 2 common 2/3 लैंग्वेजेस कोबोल एंड फोरट्रान। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोग्राम रिटन इन कोबोल इज यूज टू वाइडली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोरट्रान स्टैंड फॉर फॉर्मुलाज ट्रांसलेशन। प्रोग्राम्स रिटन इन फोरट्रान आर यूज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक वर्क। कोबोल जो हमारे पास 2/3 वाली जो जनरेशन थी, ठीक है, उसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो कोबोल यूज़ होती थी और फोरट्रान यूज़ होती थी, ठीक है। तो कोबोल जो थी वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी जो कि बिजनेस वगैरह में यूज़ होती थी, और फोरट्रान जो थी हमारे पास फार्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्राम रिटन इन फोरट्रान जो साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ होती थी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। Why do we need assembler and compiler? We need assembler and compiler because they converted programs into machine language so that they can be processed by a computer assembler. Convert instruction written in the assembly language into machine language. Similarly, compiler converts instruction written in high level language into machine code. Compiler और assembler actually क्या करते हैं, ठीक है, languages ये क्या करती हैं, वो ये translator है, ठीक है, एक तरह के translator हैं। तो ये करते क्या, ये करते हैं के हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड लैंग्वेज में उसको वही कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको यही वाली अभी मिसाल दी थी कि किस तरह होता है कि वही मैं अगर किसी और मुल्क में जाऊँ, मुझे नहीं पता कि इसकी लैंग्वेज क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैं एक ट्रांसलेटर अपने साथ लेके जाऊँगी, वही ट्रांसलेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उसको ट्रांसलेट करेगा, उसको बताएगा और फिर उसकी जो लैंग्वेज है उसमें जो भी जो उसने कहा होगा वो मुझे बताएगा। वो हमारे पास ट्रांसलेटर कहलाता है। उसका नाम इन्होंने इस तरह क्या दे दिया है, असेंबलर या कंपाइलर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में जो है इसका काम यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डज बेसिक स्टैंड फॉर, व्हाई इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल सिम्बॉलिक बिगनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अच्छा, बेसिक जो थी हमारे पास वो एक बिगनर लैंग्वेज थी जो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन बिकॉज इट इज़ यूजेस वर्ड्स फ्रॉम कॉमन इंग्लिश एंड हैज़ सिंपल सेंटेंस। दिस मेक इज अ यूजफुल फ्रेंडली लैंग्वेज दैट इज यंग स्टूडेंट कैन ईजीली लर्न। फर्स्ट हमारे पास बेसिक लैंग्वेज थी जो यूज़ हुई थी, जो बहुत आसान थी। उसके बाद जाहिर सी बात है दूसरी लैंग्वेजेस आई, कोबोल फोरट्रान आए, ठीक है, जो कि बिजनेस और साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ होते थे, लेकिन ये सबसे आसान लैंग्वेज थी जो पूरी दुनिया में हर स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो गई हैं इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से एक बार इसको दिखा दूँ आपको, ठीक है, ये ठीक है। तो ये मुझे काम आप लोग इस हफ्ते करके लेके आइए सब, और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।